साल में बैठे हैं, मैं पता लगाती हूँ। स्वामी, अरे कौन हो तुम जो मुझे स्वामी कह रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? क्या आप देख नहीं सकते? अरे मैं तो एक अंधा इंसान हूँ, ये मैं प्रिया खुशी क्या देख रही हूँ? ये दिन देखने से पहले मेरी मौत के नहीं है स्वामी, मैं आपकी पत्नी सावित्री। हमारी पत्नी सावित्री? तुम हमारी सावित्री हो? ये भगवान, तेरे लाख लाख शुक्र है मालिक, तूने हमारी सावित्री से हमारी मुलाकात करवा दी। उस दिन तुम ठीक कह रही थी सावित्री, तुमने हमारे बच्चे का खून नहीं किया था। तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हुआ और तुम जैसी सीधी साधी पत्नी को मैं मार कर भगा दिया। भगवान उसी कन्नी की सजा हमें दी है जो आज हमारी आंखों में रोशनी नहीं है, दरबदर की ठोकर खा रहा हूं। लेकिन इसे कैसे हो गया स्वामी? तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने मुन्ने की लाश दफनाया, दरबदर की ठोकर खा रहा था, भूख प्यास से मर रहा था। मेरे समझ में नहीं आया, मैं भाभी माँ कलजुगई देवी के पास खाना मांगने चला गया। जब वो आ गया तो क्या देखता हूँ, हमारी भाभी माँ और हमारा बाप जगन्नाथ दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। जब मैं ये देखा तो मुझे गुस्सा आ गया और भाभी माँ को उल्टा सीधा बोलने लगा। वहां से भागने की कोशिश किया कि मैं यहां से भाग जाऊं, लेकिन मैं भाग न सका। उन दोनों ने
मुझे मारकर मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दी, जिसकी वजह से हमारी आंखों की रोशनी चली गई। तब से मैं इधर से उधर भटक रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है सावित्री, मैं बहुत पापी इंसान हूँ, माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर हो सके तो अपने इस अंधे पति को माफ कर दे। रो नहीं, जितना हमारे नसीब में लिखा था उतना हुआ। हमें बड़ी जोर से प्यास लगी है, हमारे लिए कहीं ना कहीं से पानी ला दो, नहीं तो प्यास के मारा हमारी जान निकल जाएगी। मैं तुमसे हाथ जोड़ता नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ, कहीं ना कहीं से पानी जरूर लेकर आऊंगी, लेकिन जब तक मैं लौट कर वापस ना आऊं तब तक यहाँ से कहीं मत जाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं जैसे मालूम करना चाहता हूँ, एक खाली लोटे लेकर तू कहाँ जा रही थी? अब तुझे देखा ऐसा लगता तू गम की सताई हुई हो, मुसीबत की मारी हो। मुझसे बताने वादा करता हूँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बोल क्या बात है? अब आप इसलिए है, मैं खाली लोटा लेकर पानी लेने जा रही थी। बाबू जी, हमारे पति जी अंधे हैं। अंधे हैं? वो देख नहीं सकते हैं, प्यासे हैं, वो पानी नहीं पाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। उनको कुछ नहीं होगा, पानी हम लाएंगे। कुछ नहीं भांजे, मैं आ रहा था। ए बिचारी इधर से जा रही थी, अचानक ठोकर लगने पर इसका लोटा गिर गया। इसको पानी सख्त हो सकता है। एक काम करो, पानी ला दो उसे। मैं जा रहा हूँ पानी लाने के लिए। जाओ जाओ जाओ। हम पानी लेकर आ रहे हैं, अपने पति को पिला देना, बहुत जल्द वापस आऊंगा। बाबूजी, मैं आपके एहसान कभी नहीं भूल सकती हूँ। हमने क्या एहसान किया? अरे क्यों नहीं बाबूजी, आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आ गए। इंसान भगवान नहीं हो सकता। हाय, तुम्हें पानी की जरूरत है, पानी मिलेगा। गलती हमारी शादी की है। रही बात कुछ खाने पीने की इच्छा हो तो बताओ। नहीं बाबूजी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जरूर पूछो। पूछना है चाहती हूँ, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं आप, क्या करते हैं आप बाबूजी? डकैती करता हूँ। ठाकुर राजन सिंह मेरा नाम है। इस इलाके में हमारा आतंक है, जिसके भी जिस चौराहे से निकलता हूँ लोग झुककर मुझसे सलाम करते हैं। लेकिन तुझको डरने की कोई जरूरत नहीं, घबराओ नहीं, आओ हमारे पास। ठाकुर राजन सिंह नाम है। जी हाँ। जिस गली से गुजरते हैं लोग झुककर सलाम करते हैं, क्यों नहीं करेंगे झुककर सलाम? क्योंकि डरते हैं, डरते हो लोग, क्योंकि तुम देखते ही गोली मार देते हो, इसी के लोग डरते हैं। मुझे आपके एहसान नहीं चाहिए, आपके हाथों से पानी नहीं लूंगी। दूर हो जाओ मेरे नजरों से। क्या बात है लड़की, डकैत का नाम सुनते ही तेरी जबान ही बदल गई, चल बदल में तेरी आग लग गई। बात क्या है हम जानना चाहते हैं।
आखिर ऐसी क्या बात है जो तू इतना डाकुओं से नफरत करती है? क्या जानना चाहते आप? डाकू तो मेरी दुनिया बदल दिए, दुनिया उछाल दिए बाबूजी, मैं बर्बाद हो गई। हमें समझाओ की बात क्या है। रो नहीं, चलते हैं बाबूजी। क्या किया था मेरा मासूम बच्चा, मेरे बेटे को काट कर खून मुझे पिला दिए। अच्छा, जिससे मैं अपने सीने से लगाकर रख दी। क्या कहा तुमने कि डाकुओं ने तेरे बच्चे को काट कर उसका खून तुझे पिला दिया? हाँ बाबूजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। डाकुओं का यह धर्म नहीं है किसी के बच्चे को मार दे। छोटे से बच्चे से क्या दुश्मनी? ये डाकुओं का धर्म नहीं, ये तो किसी दुश्मन का काम है। दुश्मन? हाँ, मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? ये तो नहीं जानते कि मैं तेरा दुश्मन कौन है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा ये किसी डकैत का काम नहीं है। लड़की कुछ देर के लिए मुझे अपना भाई समझ, चूंकि हम हर लड़की को अपना भाई, हर लड़की को अपनी बहन समझते हैं, बेटी समझते हैं, माँ को माँ समझते हैं। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन रो नहीं। कौन हो तुम? क्या हकीकत है तुम्हारी? कहां से आई हो? क्या नाम है तुम्हारा बताओ? रो नहीं भैया, मेरा नाम सावित्री है भैया, मैं ग्राम जगहपुर के रहने वाली हूँ। तुमने मुझे भाई कहा, इस सब तो सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे पास कोई बहन नहीं रही, पहली बार किसी लड़की ने मुझे भाई कहा है। रो नहीं सावित्री, अगर अपने भाई के पास आ गई हो तो तुम्हारा फैसला होगा। तेरे बच्चे के कातिल को हम जरूर पकड़ेंगे। सावित्री, तुम कह रही हो कि जगहपुर से आई है? इतना दूर से यहाँ पर आई? पति अंधेरा है। जगहपुर में किसी को जानती हो बहन? क्या नहीं भैया, बताओ। वहाँ तो मेरा पूरा परिवार ही रहता है। हमारे ससुर जी है, ससुर जी का नाम जगत। और हमारे जेठ जी है, जेठ जी का नाम कंसराज है। जिठानी जी है, जिठानी जी का नाम कलयुगी देवी है। और हमारे पति हमारे साथ भी है। तुम्हारे पति का नाम संतोष कुमार है। लेकिन आपको कैसे मालूम है? सावित्री बहन, बड़ा गहरा लगाव है जगहपुर से हमारा। क्या वाकई तेरा पति देख नहीं सकता? हाँ भैया। रो नहीं मामा। यार इसकी बातों को सुनकर हमारे आंखों में आंसू आ गए। इस बात को हम कैसे बयान करें तुमसे कि क्या हुआ है? बेटा मासूम था, उसे मार डाला गया। मारने के बाद उसका खून इस लड़की को पिलाया गया है। बताते हैं कि डाकुओं ने इसके बच्चे को मार दिया। मामा पता लगा वो गद्दार कौन है? कौन है वो गद्दार जो मासूम बच्चे को मारा है? हमारे बेटे को मारा गया। मामा एक काम करो, सबसे पहले इस लड़की को पानी दो। बेटा हमारा हमारा है। सावित्री बहन, देखो तुम पे जो गाज पड़ी है हम वापस नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं बहन।
अपने पति को पानी देना और उससे ये कहना कि डाकू राजन सिंह तुमसे मिलना चाहता है। जाओ बहन जाओ। ठीक है भैया। चली बापू सावित्री पानी लेकर आई तुम पिला दो। आपसे कोई मिलना चाहते हैं बात कर लो। क्या कहा हमसे कोई मिलना चाहते हैं? कौन है भैया जो आप कुछ अंधे बदनसीब इंसान से मिलना चाहते हैं? भाई कौन है आप? बोल नहीं रहे हैं। मैं डाकू राजन सिंह। डाकू राजन सिंह? मैंने तुम्हें पानी पिलाया है। आपने हमें पानी पिलाया है? भगवान आपको सलामत रखे भैया। पानी पिलाया है भाई ऊपर वाला मालिक आपके परिवार को सुखी रखे भैया। ये तो हमारे सर पर ऐसे हाथ फिर रहे जैसे हमारे भैया कंसवार ये तो डाकू है। हमारे भैया तो जेल से भाग गए पता नहीं कहां होंगे। इस दुनिया में जिंदा है कि मर गए। भाई साहब आपने जब हमारे सर पर हाथ फेरा ना तो हमारे हमारे भैया की याद आ गई और आपकी आवाज हूबहू हमारे भैया कंसराज से मिलती है। अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं भाई। आंखों में रोशनी नहीं है भाई के लिए रो रहे हैं। भाई के लिए रो रहा हूं। कई दिनों से उनकी तलाश कर रहा हूं लेकिन आज तक वो मिले ही नहीं। आपको खराब ना लगे क्या मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि आप इतने नेक इंसान हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, अंधों को पानी पिला रहे हैं। आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? आपके घर में आप कौन है? आप कैसे डाकू बन गए भैया? कोई अपनी माँ के पेट से निकलते ही पैदा होता। संतोष कुमार हालात और मजबूरी उससे जय जकेट बना दे जय बागी बागी। आप हमारा नाम भी जानते हैं लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे सबर नहीं हो रहा है। बताइए ना आपके परिवार में कौन कौन है? हम जरूर बताएंगे लेकिन शर्त हमारी होगी। शर्त पहले तुम रोना बंद करो। मैं कौन हूँ मेरी हकीकत क्या है जरूर तुमसे बताए। ठीक है मैं एक भी आंसू नहीं गिराऊंगा भैया। ये सारी समझने के लिए तड़प रहा था मैं दर्द ठोकरी खा रहा था कि जिस वक्त संतोष मिलेगा मेरे चाहते से कौन सा वकील होगा जब मेरा भाई परेशान नहीं आएगा।